भाई कौन आ रखा है यार इधर? भाई अक्षय कुमार आ रखे हैं। कोई चलेंगे पिक्चर है भाई? पिक्चर नाम तो याद नहीं है, भूल गया यार। अच्छा चलो ठीक है। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हमारे पास है आज एक्टिवा 6G साइलेंट स्टार्ट। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज हम मैं और मेरे दोस्त लोग जो एज यूजुअल लेट हैं, आज हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक। और जॉर्ज एवरेस्ट हम गए थे 2018 में और अभी चल रहा है 18, 19, 20, 21, 22। 4 साल बाद हम जॉर्ज एवरेस्ट जा रहे हैं। तो उस टाइम मैंने जॉर्ज एवरेस्ट की वीडियो बनाई थी। काफ़ी कच्चा रास्ता था, मतलब काफ़ी मज़ा आता था उधर जाने में, ट्रैक और यू कैन से हाइक। अब मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि उधर पूरा रीडेवलपमेंट हो चुका है सारा, मतलब वहाँ स्टेयर्स बन गई हैं पहाड़ी तक जाने में, जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाने में। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वीडियो में बने रहे एंड लास्ट में देखना जॉर्ज एवरेस्ट कैसा लगता है। तो आज एक्सपल्स ना ला के हम स्कूटी में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपल्स में आ चुकी है थोड़ी दिक्कत, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, वो देखते रहना। तो अभी तो स्कूटी में जा रहे हैं, नई स्कूटी है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में भी। अभी हम जा रहे हैं किमाडी वाले रूट से जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। मैंने इन दोस्तों से पूछा, दो दोस्तों से, कि उधर से चलना है मसूरी के रास्ते, लेकिन मसूरी के रास्ते 12 रुपये का टोल टैक्स है। तो 12 रुपये बचाने के चक्कर में हम निकल चुके हैं किमाडी रास्ते से। मेंस विल बी मेंस। और ये रूट भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू न्यू मसूरी रूट, क्योंकि यहाँ से मतलब आप प्रकृति के बीच से होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बोल रहा हूँ मैं। ये वाला रूट एज़ कम्पेयर टू जो कैजुअल रूट हम लेते हैं मसूरी की तरफ ले, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज यहाँ छोटी रोड है और यहाँ इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं ना आसपास, आप देखते देखते मतलब बोर नहीं होंगे अगर इफ़ यू आर अ नेचर लवर। इस एरिया के आसपास फार्म हाउस बहुत बनने लगे हैं एंड आई गेस इन द अपकमिंग ईयर्स 5 to 10 years यहाँ थोड़ा नक्शा चेंज होने वाला है इधर का भी, जस्ट लाइक राजपुर रोड। वहाँ भी पहले फार्म हाउस ही रहते थे बस, अब तो भाई वो मस्त मार्केट बन चुकी हैं। तो यहाँ भी कुछ शायद हो जाए आने वाले सालों में। तो ये रही खूबसूरती इन वादियों की, देखिए वॉक करने भी जा रहे हैं लोग। तो अभी हम एक कैफ़े में रुके हैं और ये कैफ़े में ये लगा रखे हैं, ये तिब्बतन फ्लैग्स होती है। तिब्बतन फ्लैग का एक चीज़ होता है कि इनसे जो हवा पास होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। ओके है ना, तभी कोरोना पॉजिटिव। सो अभी आईफोन का सिनेमैटिक मोड टेस्ट कर रहे हैं और काफी बढ़िया लग रहा है। देखो बोके देखो पीछे यार, मजा आ गया बोके देख के। अब जैसे ये सिनेमैटिक मोड मेरे पे फोकस है, ये इस पे फोकस है, मैं ब्लर हो चुका हूँ। वैसे अनरियलिस्टिक है लेकिन ठीक है तो फीचर एक। पैरों की जंजीर खोल कसल पीते शुरू है दौड़, कच्चे रास्ते तीखे मोड़, अगर मगर पीछे छोड़। आज ऐसे भागना है जैसे खुद को नापना है, आसमां को लांघना है, बेड़ियां दे आज खोल। भाज भाज दादा भाज, बेड़ी भाज बुला, सरा रा सरा आज बुला, फर रा फर आज दादा भाज, दीदी भाज दादा भाज, बेड़ी भाज बुला, जरा जरा तू खुद बड़ा जोर लगा। जितनी भी जॉर्ज एवरेस्ट की डिटेल है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, लेकिन इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या किस लिए फेमस है जॉर्ज एवरेस्ट। हाँ, यहाँ एक वाटरफॉल भी है जो कि अभी आपको दिखने वाला है। नहाएगा? बताओ ना, बताओ ना। नहीं सर, नहीं। तो अब हम आ चुके हैं इधर। तो ये है एक छोटा सा वाटरफॉल, छोटा सा नहीं मतलब जब बारिश होती है ना तब तो बहुत भयंकर हो जाता है इधर, भयंकर। अभी नहीं है, फोटो खिंचाने के लिए भाई क्या क्या करते हैं। तो भाई मेरी खींच रहा है फोटो पीछे से, वो देखो, ये देखो, तो हमने काफी फोटोज खिंचा लिए हैं इधर और अभी हम वापस चढ़ रहे हैं इस तरफ। इधर से तो मुश्किल ही हो जाएगा। हाँ, रुक जा रुक जा।
सक्सेस। शूटिंग हो रही है, कौन सी पिक्चर की हो रही है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन लंबी दार माइंस में शूटिंग चल रही है। भाई कौन आ रखा है यार इधर? भाई अक्षय कुमार आ रखे है। कोई चलेंगे पिक्चर है भाई? पिक्चर नाम तो याद नहीं है, भूल गया यार। अच्छा चलो ठीक है। चल थोड़ा दम लगा, रग में तेरी खून बन के दौड़ता है क्या? आज कड़ी धूप मिले, छाव नहीं मांगना तू। आज सौ दफा भी गिरे, हार नहीं मानना तू। बोले लोग बोलने दे, रार नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के पास। बॉस वो है जॉर्ज एवरेस्ट, और हमें पता नहीं अभी चल के जाना होगा नहीं चल के जाना होगा, तो आगे वीडियो में बने रहिए। आराम से चल लेते हैं। अरे स्नो पड़ी हुई, ओए आराम से, ब्लैक आइस भी हो सकती है, स्कूटी स्लिप मारेगी, आगे का ब्रेक मत मारियो। हाँ बर्फ बर्फ पिघली नहीं होगी इधर। सो आई गेस स्कूटी है ऊपर जाना बंद कर दिया है, लेकिन अगर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे तो हम स्कूटी ऊपर ही ले जाएंगे, बिकॉज ऊपर का ट्रैक काफ़ी लंबा है, मतलब मिनिमम 1 किलोमीटर का तो हो गई। चलो भाई बर्नआउट लग गया है तो। चलो 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 स्पीड मत कम करो। बुरे हाल हो रहे हैं। ये आ चुके हैं हम ब्यूटीफुल, ये आ चुके हैं ब्यूटीफुल। निर्माण प्रगति पे तो हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट, और जैसे कि मैंने सोचा था पीछे जो मेरे पाथ है ना वहां से स्कूटी, अब स्कूटी बाइक कुछ नहीं जा सकता, तो हमें पैदल चलना पड़ेगा पूरा ट्रैक। कैसा लग रहा है? मजा आएगा, अभी मजा आएगा, पता है 1 किलोमीटर का तो हो गई। तो हम अब स्टार्ट कर दिए हैं ट्रैकिंग, और मुझे लग रहा है बहुत ऊपर है यार ट्रैक तो अभी। तो मुझे लग रहा है ना इन्होंने 1 किलोमीटर का ट्रैक फालतू का रख दिया है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर चढ़ के जाएंगे वहाँ भी शॉप है, नीचे आएंगे यहाँ भी शॉप है। दिस इज बिजनेस। तो ये जॉर्ज एवरेस्ट का नॉर्मल रास्ता है, बट 1 2 3 नाम नाम बता दो घर का। चलो अगर मेरे पीछे कुछ भालू वालू पड़ा ना तो भाई भागना मत, हेल्प कर देना प्लीज। अबे वो टायर घिसने की आवाज होगी। चल 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 आगे चल, विकास को खाएगा पहले जो भी खाएगा। अरे भाई बर्फ गिरी हुई इधर। हम सबका यही है थोड़ा अलग से चलते हैं हम रास्तों में, और देखो भाई बर्फ मिल गई है। चलो चलो है इधर ही से होगा, चल होगा होगा, बंद होगा तो वापस निकल लेंगे। पगडंडियाँ ऐसी ही होती हैं भाई, गांव में रास्ते नहीं पता तेरे को, ऐसे ही होते हैं। साहिल ये वीडियो तेरी मम्मी देखेगी ना, ले ये पकड़, मेरे को तो निकालो, कैसे लोग बर्फ। ओ माय गॉड
हाँ ये पिघली नहीं यार, बर्फ ही है धूप को मांगते हुए बहुत कम। और बस यहीं तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। रास्ता है ये चढ़ने वाला है? नहीं। इधर ही से ऊपर चलते हैं पगडंडी पे। अब नहीं ऊपर है, ऊपर है कोई नहीं, हो जाएगा। अब सुनो, अगर कुछ शेर वेर आया ना, वैसे होगा नहीं, तो ना शोर मचाना तेज तेज अगर दूर से दिखे तो, ठीक है? हाँ, और ऐसे ना शरीर को बड़ा दिखाना अपने, ऐसे करके डंडी ये, और ऐसे ऐसे भगा देना मतलब उसको। और तीन होंगे तो इकट्ठे रहना बस। क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ओ भाई मजा आ गया। ये देखो जी बर्फ, और ये मारी मैंने साहिल के, ओ बच गया। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है यार इधर तो। मुझे लगा नहीं था इधर बर्फ अभी तक रहेगी, लेकिन है। नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगी, इतना मैं गारंटी हूँ। एक एक ढूंढ के निकाली जगह। तो यहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ से जंगल हल्का फुल्का, तो यहीं क्रॉस कर रहे हैं पहले तो। ऊपर और बर्फ दिखी है हमें। नॉर्मल रास्ते ही ऐसे नहीं होते भाई। हाँ वही वही लगा लो भाई। साहिल जब हम भद्राज गए थे तब भी तो ऐसे हुआ था कुछ। हम अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। ओके। अभी तो लग रहा है डर। देखा पब अब से ज्यादा अच्छा जाने में, ये है रियल एक्साइटमेंट विदाउट एल्कोहल। मेरे पीछे जा रहे हैं। ओ भाई ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इतना एडवेंचरस होगा ये रास्ता। चल मजा आया। तो विकास को नहीं आया। डंडा छोड़ दे, डंडा इधर फेंक दे, रुक जा। बादशाह और है वहां, बादशाह इनटू द वाइल्ड। और बगल में और बर्फ है, देखते हैं ऊपर से नजारा दिखता है नहीं दिखता। दिस इज व्हाट आई वांट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये पहाड़ खत्म ही नहीं होता। ओ मजा आ गया। लेकिन यार चल 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 ला ला ला। जैसे वो नहीं करते बल्दों को, चल बे सांड। आर यू डन ब्रो? कैसा लगा रियूनियन? मेरे साथ चलोगे तो ऐसे होगा। टिप्पणी नो टिप्पणी नो कमेंट्स नो कमेंट्स। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं, और ये देखो मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। चढ़ते पता नहीं चला, मतलब काफी लोगों की हालत खराब हो चुकी है इधर, ये देख सकते हैं। जैसे ये तो ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम वालों। फाइनली हम फेंस पे पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट का। क्या नजारा है यार, वाह। गिफ्ट दे रहा है भगवान, गिफ्ट। देखो सूरज दो लग रहा है ना, आगे पूरा फॉग है। विकास चीयर्स। ये सो गाइस सरप्राइज, मजा आ गया यार। मुझे पता नहीं था इधर बर्फ गिरी हुई है, देखो मजे। तो बर्फ के मजे लेते हैं, और पीक वो है ऊपर, वो अभी काफी दूर जाना है तो वहां जाएगी। अरे भाई सो हो
होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। और ये सामने फोटोबाजी चल रही है, अगर फोटो देखनी है आपको तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। और अभी चलिए ऊपर चढ़ने की तैयारी करते हैं, अभी तो यहाँ मजे कर लिए खूब। या कैसा लगा भाई, कैसा लगा? थैंक यू आशीष। अरे आपको इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ये बंदा चलने के लिए तैयार नहीं होता था, ये 9 बजे उठता है, 9:30 बजे। आज हम बहुत जल्दी आए और अभी पीक पे चलेंगे। पीक वो रही, तो ये देखो मैंने कीड़े डाल दिए इनके अंदर, ये नॉर्मल रास्ता छोड़ के ऐसा वाला रास्ता पकड़ रहे। कोई नहीं, चलो चलो, देखो देख देख, मैं रिस्की हूँ लेकिन तुम ज्यादा रिस्क मत लो। कभी रिस्क है इसके नहीं होता। तो फाइनली पहुंच गए हैं, विकास का सबसे पीछे। इधर थोड़ा फिसलन होगा शायद, डंडा फेंक दो। एवरीथिंग, लेकिन एक इधर जो आप देख ही रहे हो, इधर फॉगी फॉग हो रखा है। ये है मतलब टॉप। रास्ते से आए नहीं है, अभी जा रहे हैं, आए तो हम दूसरे रास्ते से, बिकॉज अब यहाँ सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, तो सीढ़ियों में इतना मज़ा नहीं है जो पहले मज़ा रहता था। क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तो गाइस सीढ़ियाँ तो सिर्फ यहाँ तक बनी है, और ये ऊपर का रास्ता यहाँ से कच्चा ही छोड़ा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसा सा है ये रास्ता, अगर आपको देखना है पुराना रास्ता कैसा था तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो पुरानी वीडियो है, 2-3 साल पुरानी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरा ट्रैक वाला रास्ता था, बहुत कच्चा, और हम यहाँ के पहले बंदे होंगे जो उल्टे आ रहे हैं यहाँ। ये वाला रास्ता दूसरी बार ये रास्ता बोल रहा है। और यहाँ देखिए टपरियाँ ही टपरियाँ, और ये रहा जॉर्ज एवरेस्ट। वैसे उल्टा रिवर्स में दिखाना था लेकिन हम रिवर्स में ही आ रहे हैं बिल्कुल। अबे भाई केक कट गया। आए ओ काले कुत्ते, ये क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। तो यहाँ का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। ये जॉर्ज एवरेस्ट पीक था और ये काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, और अब यहाँ मतलब जो भी है, यहाँ तो पूरा थीम पार्क जैसा बन गया है। और जॉर्ज एवरेस्ट पीक के बारे में बता दूँ, इंडिया का मैप इधर ही असेंबल हुआ है, इसी के अंदर इंडिया का मैप जो है लास्ट वाला बना है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जॉर्ज एवरेस्ट जो इधर थे ना वो जियोलॉजिस्ट थे, और उन्हीं ने माउंट एवरेस्ट का नाम इधर से रखा है, तो इसलिए यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ रहते थे।
इसलिए यहाँ का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पड़ा है। ये रहा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नो एंट्री। और ये तो भाई बिल्कुल ही रेनोवेशन बहुत भयंकर तरीके से हो रखा है इधर, क्योंकि पहले की हालत बहुत बुरी थी। प्रीवियस ब्लॉग देख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये देखो कुछ ज़्यादा दिखाने लायक नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।